हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश सेन और फिर से हम एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है पानी की कीमत हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है। पानी ये है दोस्तों, आरओ का पानी जो हम पीते हैं, जो नॉर्मली पीने वाला पानी है। पानी के बिना जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तों। तो आज हम चेक करेंगे इनका TDS, पानी के अंदर कितना TDS होता है, जो हम आरओ का जो फिल्टर होके हम पानी पीते हैं उसका TDS कितना है, प्लस दूध के अंदर कितना TDS होता है। नॉर्मली पानी के अंदर हम पीते हैं 70 से 80, मतलब 100 से नीचे और 50 से ऊपर का TDS हम पीते हैं, और दूध के अंदर कितना TDS होता है, और इसके साथ साथ पेट्रोल के अंदर कितना TDS होता है। तो चलिए दोस्तों, इन सब का TDS चेक करते हैं हम, और रिजल्ट जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। मैंने आज तक चेक नहीं किया, सबसे पहले अभी फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने चेक करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे नया चैनल है और नए नए सब्सक्राइबर्स होने चाहिए यार। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तब तक वीडियो को शुरू करते हैं हम, जचाते हैं अपना सामान, आइए। तो दोस्तों, अभी हमारे पास है ये TDS चेक करने वाला मीटर, और अभी हम चेक करते हैं दूध का, पेट्रोल का और नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं इसका। इन तीनों चारों चीज़ों का हम TDS चेक करते हैं, और पेट्रोल को हम निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो पेट्रोल को दोस्तों हमने निकाल लिया है इसके अंदर, और अभी हम आपके सामने दिखाते हैं कि इनका TDS कितना होगा। सबसे पहले दोस्तों हम चेक करते हैं TDS पानी का, जो हम नॉर्मली पानी पीते हैं। दोस्तों, अभी हमने इस मीटर को कर लिया है ऑन, और इसके अंदर 000 आ गए हैं। अभी हम पानी का TDS जो है वो चेक करते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे घर का जो पानी है उसका TDS अभी चल रहा है 35। देखिए, चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगला दूध का TDS हम चेक कर लेते हैं कि दूध के अंदर कितना TDS होता है। तो चलिए दूध का TDS चेक कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर देखिए अभी है 0, और अभी हम इसका दूध के अंदर टेस्ट करते हैं TDS कितना है। और यहाँ से जो ये ऊपर जो बटन है, मैंने अभी तक देखा नहीं है दोस्तों कितना TDS है। हॉल, क्या बात है, दूध के अंदर TDS होता है दोस्तों ये 105, है ना कमाल की बात, दूध का TDS 105 होता है। तो अभी आपने दूध का TDS देखा, और अब लास्ट में बचता है पेट्रोल। अब हम चेक करते हैं पेट्रोल का TDS कितना होता है। तो चलिए पेट्रोल का देख लीजिए दोस्तों, अभी TDS पेट्रोल का हम देखते हैं, शायद आपको अच्छे से दिखाई ना दे इसलिए मैं डायरेक्ट अंदर डाल के होल्ड का बटन प्रेस करता हूँ। ये पेट्रोल के अंदर हमने इसको डाल दिया, और ये इसको दबा दिया होल्ड। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट मैं डायरेक्ट पहले आपको दिखाता हूँ, देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि इसके अंदर कितना TDS है, है ना दोस्तों कमाल की बात। पेट्रोल का TDS एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, और आप बताइएगा दोस्तों कि इसके अंदर कितना TDS है। मैं अभी तक इसका रिजल्ट मतलब देखा नहीं है मैंने, इसका कितना TDS होता है पेट्रोल के अंदर। तो बताइए कितना है इसके अंदर, 500, 600, 700, 1000, 2000, कितना TDS है इसके अंदर। मैं होल्ड कर देता हूँ इसको, और फिर डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ बाहर निकाल के। एक सेकेंड, होल्ड का बटन ये रहा, ओके। तो ये देखिए दोस्तों, पेट्रोल का TDS कितना है, 0। वाओ, मतलब पेट्रोल के अंदर 0 TDS, है ना अमेजिंग दोस्तों। मतलब इसके अंदर 35, इसके अंदर 105, और पेट्रोल का TDS 0। कमाल है ना गाइज। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों
एक और नई वीडियो के साथ, नए एक्सपेरिमेंट के साथ।